हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1। इसमें क्या है, आपके पास एक एक्स की वैल्यू निकालनी है जो एंगल ट्रायंगल के बाहर दिया हुआ है। आगे देखो, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें ये जो एंगल है ये ट्रायंगल के बाहर दिया हुआ है, आउटसाइड दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, मतलब उसके साथ वाला एंगल नहीं लेना है। एक्स इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल 120 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे, वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब आपके पास अगर एक एंगल बाहर दिया हुआ है वो अंदर के दो एंगल के सब के बराबर होता है, बाहर का एंगल। इस ये अपोजिट नहीं लेगा, ये अपोजिट लेगा, साथ अगर एडजेसेंट एंगल नहीं लेते हैं। वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, एक्स इक्वल 120 डिग्री। आई होप आप सबको समझ आया होगा ये। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच।